पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है नमस्कार भारत लाइव देख रहे हैं आप बिहार कैबिनेट की आज बैठक समाप्त हुई है और कुल तेईस एजेंडों पर मुहर लगी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक होने के बाद वो बिहार में एक्टिव हो गए हैं बिहार कैबिनेट की आज बैठक समाप्त हुई है मंगलवार का दिन है और नीतीश कुमार अहले सुबह पहुंच गए सचिवालय और वहाँ पर कैबिनेट की बैठक अभी अभी समाप्त हुई है कुल तेईस एजेंडों पर भी मुहर लगी है इतना ही नहीं पिछले कुछ दिनों से नियोजित शिक्षकों पर क्या फैसला हुआ है इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा कम मिलेगा नियमावली तैयार है ड्राफ्ट बनके तैयार है बस काम नीतीश कुमार को करना है सिग्नेचर लेकिन पिछले कई दिनों से ये मामला अटकता हुआ नजर आ रहा है आज भी कई नियोजित शिक्षक इस इंतजार में थे कि आज के कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला बिहार के मुख्यमंत्री ले सकते हैं लेकिन देखिए क्या कुछ फैसला हुआ है आपको पहले तेईस एजेंडों के बारे में बता दें कि जो तेईस एजेंडों पर मुहर लगी है उसमें अगर बात करें परिवहन विभाग की आपदा विभाग की ऊर्जा विभाग की साथ ही साथ कला संस्कृति एवं युवा विभाग की पंचायती राज विभाग की, साथ ही साथ भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग है विधि विभाग है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग भी इसमें शामिल है इतना ही नहीं आपको बता दें कि श्रम संसाधन विभाग भी है और साथ ही साथ वित्त विभाग है स्वास्थ्य विभाग है इतराइन अगर बात करें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है तो एक एक करके हम ब्रीफ कर देते हैं बता देते हैं कि जिन विभागों में मुहर लगी है उसमें अगर बात करें सबसे पहले हम परिवहन विभाग की तो परिवहन विभाग में बताया गया है कि बिहार राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 की स्वीकृति मिल गई है इतना ही नहीं अगर बात करें बिहार के छः नगर पटना मुजफ्फरपुर गया भागलपुर दरभंगा एवं पूर्णिया नगरों के लिए कुल चार इलेक्ट्रॉनिक बसों की व्यवस्था कराए जाने की भी व्यवस्था लगाई गई है यदि अगर परिवहन विभाग में और बात करें तो पंद्रह वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों को निबंधित यान या स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैपिंग प्रक्रिया की बढ़ावा दी गई है आपदा विभाग की अगर बातचीत करें तो आपदा विभाग में जो व्यवस्था लागू की गई है उसमें अगर बातचीत की जाए तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कृत एवं प्रबंधन नियमावली 2012 के नियम प्रविष्ट चार में वर्षित प्रावधान के संशोधन किए गए हैं ऊर्जा विभाग की अगर बातचीत की जाए तो कई जगहों पर लाइन में ओवर हेडेड जो संचारण है उसे कम करने की नियमावली बनी है इतना ही नहीं अगर बात करें कला संस्कृति विभाग की तो पश्चिम चंपारण जिला के मुख्य विद्यालय में दो क्षमता वाले प्रेक्षागृह निर्माण कराने के लिए लगभग सैंतालीस करोड़ रुपए जो है वो लागू किए गए हैं इतना ही नहीं आपको बताएं कि मोतिहारी में 2000 जो प्रयुक्त है प्रेक्षागृह बनाने के लिए इसमें भी सैंतालीस करोड़ की स्वीकृति मिली है इतना ही नहीं अगर आगे की बातचीत करें आगे जो स्वीकृति दी गई है पंचायती राज व्यवस्था में उसमें भी स्वीकृति मिली है साथ ही साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग में अगर बातचीत की जाए तो आपको बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्री प्रिंटिंग रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफार्मर निर्माण एवं मरम्मती ऑप्टिकल फाइबर का प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा उद्योग की मांग के अनुसार व्यवहारिक कौशल निर्माण एवं मनोनीत नॉलेज पार्टनर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना यानी आईआईटी पटना द्वारा 33 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में द्वितीय चरण में सेंटर ऑफ एक्सलेंस पदस्थापित करने की व्यवस्था जो है वो की गई है इतना ही नहीं तेजस्वी यादव का भी विभाग इसमें शामिल है तेजस्वी यादव के विभाग में क्या हुआ है स्वास्थ्य विभाग में तो बताएं कि दंत चिकित्सक सेवा नियमावली दो को स्वीकृत कर लिया गया है अगर बातचीत करें स्वास्थ्य विभाग की तो इसमें मुजफ्फरपुर राज्य के सदर अस्पताल चिकित्सक महाविद्यालय अस्पतालों के संचालित डे केयर सेंटर ऑफ पोलिटल केयर सेंटर हेतु कैंसरों का दवाओं का रिजेंट एवं उससे जुड़ी कॉन्जुव का क्रय परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार जो कि इकाई टाटा स्मारक केंद्र मुंबई द्वारा दिए जाने की स्वीकृति प्राप्त तो हुई है इतना ही नहीं अगर बात करें कला संस्कृति विभाग की तो खड़ कबड्डी खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कबड्डी खेल का बड़ा आयोजन करने की स्वीकृति मिल गई है तो इस प्रकार से नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल मिलाकर तेईस एजेंडों पर बड़ी मुहर लगी है लेकिन नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए अभी तक कोई मुहर लगी नहीं लगी है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर ये वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओजे एगो घंटी ओकरा बटन दबा दिला से कुल सटीक और मारक खबर मुफ्त में मिल जाए अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटीएम नंबर नोट कर ली नाइन थ्री एट सिक्स एट वन सिक्स सेवन डबल जीरो धन्यवाद